तीनों सेनाओं की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके लिए चलते हैं। फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल, उसके बाद हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड देन वी सेंड फॉर अ कॉल अप एज पर द मेरिट। तो इसलिए हमारा जो रैलीज अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चलेगा, ये दो बैचेस में हमारा इंडक्शन होंगे इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स। पहला जो लॉट है, जो ज्यादातर तकरीबन 25,000 का आसपास है, वो आएंगे बाय दिसंबर फर्स्ट वीक और दिसंबर सेकंड वीक। द नेक्स्ट लॉट विल कम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फ़रवरी 23। इन दिस होल अप्रोक्सीमेटली 40,000 ऑफ द रिक्रूट्स फॉर द अग्निपथ सिस्टम विल बी इंडक्टेड। ये जो रैलीज है हमारा, तकरीबन 83 रैलीज होना है ऑल अक्रॉस द कंट्री। ऑल स्टेट्स आर गोइंग टू बी कवर्ड एंड वी विल एंडेवर टू टच एवरी लास्ट विलेज इन द कंट्री। थैंक यू। जय हिंद। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड। सो वंस आई इंडिकेट हु टू स्पीक, प्लीज गिव आउट योर नेम एंड ओके नंदिता डीडी। I'm Nandita Dagar from Doordarshan News. Sir, are the armed forces recommending anything to the government and the Ministry of Defence that the people who have been identified for causing arson, sabotage, vandalizing railway coaches and buses and other such criminal activities, that they be barred from any recruitment of Agniveers or Agnipath ever in the future? Are you thinking on those lines or not, sir? Thank you. Chanpuri sir. Nandita, that's an excellent question, but main iska jawab hindi mein dunga. Sorry. Pehli cheez... Oh, sorry. Nandita, it's an excellent question. Iska jawab main hindi mein dunga. Do cheezein iske andar. Pehli, Bharatiya Sena ke foundation hai discipline. No space. No space for no arson. एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। अब जो नंदिता ने पूछा, इसको कैसा कैसे करा जाएगा? देखिए, आप लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर। अब इनको उकसारा कौन था? दो किस्म के लोग थे, एक इनिमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। यू नो, उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो छिलका, जैसे सर ने बोला था, पहुंचेंगे वो नहीं पहुंच सकते छिलका। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर यू नो घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया, वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। धन्यवाद। स्नेश,
So two questions. So one to General Puri. One question. Sir. One question. Okay, then I'll go for the COP, sir. So you mentioned that women would be recruited in the Agnipath scheme. So you're recruiting women in the sailors category, and would these women also be deployed on board ships? बिल्कुल अग्निपथ स्कीम जो है वो केवल यू नो अदर देन ऑफिसर्स रैंक के लिए है, लेकिन आपको पता होगा शायद कि भारतीय नौसेना में इंक्लूडिंग एट शिप्स ऑन बोर्ड शिप्स वुमेन ऑफिसर्स कम से कम 30 सालों से कार्यरत हैं, एंड एज वी स्पीक कम से कम 30 वुमेन ऑफिसर्स अभी भी कई जहाजों में सेल कर रही हैं समुद्र में. तो हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के इस स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे और हर ट्रेड में भर्ती करेंगे, विच विल इंक्लूड दीज अग्निवीर्स हु विल गो टू सी. जो 3000 अग्निवीर हमारे आएंगे इस साल, उसमें से कुछ परसेंटेज कुछ नंबर्स वुमेन अग्निवीर रहेंगे, वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कितने, डिपेंडिंग अपॉन किस किस जहाज में ये लोग जा सकते हैं और कितनी हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी उसके लिए रेडी है. ये अगले कुछ दिनों में वो नंबर भी हम बता देंगे. हाय सर, पीयूष शेर फ्रॉम रिपब्लिक टीवी. टू क्वेश्चन टू लेफ्टिनेंट जनरल पुरी. वन क्वेश्चन. या ओनली वन क्वेश्चन. सो लाइक यू इन योर प्रेजेंटेशन मेंशन दैट प्रेफरेंसेस हैव बीन, फ्यू स्टेट्स हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड प्रेफरेंसेस टू बी गिवन टू अग्निवीर्स इन स्टेट पुलिस. वुड यू रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू डू दिस एंड गिव प्रेफरेंसेस टू अग्निवीर्स इन स्टेट पुलिस और इन अदर गवर्नमेंट सर्विसेज? इस क्वेश्चन का हिस्सा तो और नहीं है ना, आपने शुरू करा था, दो क्वेश्चन है. नहीं, आई जस्ट सेड वन. खत्म हो गया ना. ओके, सी शुरुआत हो गई है. आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CAPF बोला, स्टार्ट में स्टेट पुलिस बोला, इंटेंशन दी, फिर उसको एक्शन में लाए. थोड़ा और समय दीजिए, ये एक्शन आ जाएगा. स्टेट पुलिस में आने का प्रेफरेंस का आ चुका है, मैंने आपको दिखाया प्रेफरेंस स्टेट पुलिस आ चुका है. अब आप चाहते हैं परसेंटेज दी जाए, थोड़ा समय दीजिए, बिकॉज यू सी इसके अंदर स्टेट, देयर इज अ कन्फ्यूजन. आई एम आस्किंग, वुड यू रिक्वेस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू? एब्सोल्युटली, यू आर राइट, एब्सोल्युटली ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, दे विल बी रिक्वेस्टेड. ये युवक कहां से आ रहे हैं? ये कोई साथ वाले देश से तो आ नहीं रहे, उसी स्टेट से आ रहे हैं, उसी स्टेट में वापस जाएंगे. सो द स्टेट्स आर टाइड टू देम फॉर लाइफ. सो इट्स नॉट समथिंग मध्य प्रदेश वाला राजस्थान में जाएगा, मध्य प्रदेश वाला वापस मध्य प्रदेश ही जाएगा. तो स्टेट्स अपने आप करेंगी, इसमें वो कुछ नहीं है, बट हमने उनको रिक्वेस्ट डाली है, जो आपका क्वेश्चन है. थैंक यू सर. अजीत दिस साइड. सर, आई एम अजीत दुबे फ्रॉम ANIA. सर, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जब आप लोग 2 साल से इस पूरी योजना के प्लान कर रहे थे, तो क्या आप लोगों ने इस प्रकार के विरोध की एंटिसिपेशन की थी? क्या सोचा था कि इस प्रकार का विरोध भी हो सकता है छात्रों के द्वारा? और जो ये सर आप कह रहे हैं कि इन छात्रों को जो इस प्रकार की हिंसा और आगजनी में जो लिप्त पाए जाएंगे, उनके लिए सेना में कोई स्थान नहीं है. मैं आपका नाम महबूब अजीत. सर, अजीत दुबे, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, आंख बंद करिए और पूछिए फौज का आपसे एक चीज कौन सी सबसे जरूरी है, बगैर उठाए बगैर सोचे आप बोलेंगे डिसिप्लिन. अगर हमारी डिसिप्लिन बुनियाद है तो कहां स्पेस है? देयर इज नो स्पेस, है ना. मैंने शुरू में ही बोला, देयर इज जस्ट सिंपली नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन. अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है. सी, इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर. एंड जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज. एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं. उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा. अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता. इट इज सिंपल. थैंक यू. कभी तक जस्ट. हाँ जी. अच्छा, हाँ, एंटिसिपेशन. देखिए, अगर बुनियाद हमारी डिसिप्लिन है, ये देयर इज नो वे कि ये यूथ इनडिसिप्लिन पे आएगा. ये क्यों आया?
ये इसलिए नहीं आया कि यू नो उसकी मन की भावना को हमने छेड़ा है, इसलिए नहीं आया। आपके जैसे और मेरे जैसे पीछे बैठे हैं उसको धक्का मारने वाले जो 27 साल 30 साल से ऊपर के हैं। आप कोई वीडियो देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, पहली चीज उसकी उम्र देखोगे। उस बच्चे से कोई पूछता है, आप में से एक गया पूछने के लिए, यहां क्यों ऐसे कर रहा है, अग्निपथ के अगेंस्ट कर रहा हूं, आपने कैप्चर करा इतना ब्यूटीफुली, अग्निपथ क्या है, कहता पता नहीं। सो आपको पता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे, एंड किस लिए करेंगे, ये हमारा काम भी नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है। अगर ऐसा होगा तो कोई टैकल करेगा इसको, बट हमारे पास स्पेस नहीं है उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू कविता। सर गुड आफ्टरनून, मेरा सवाल सभी से, सभी थोड़ा माइक में बोलिए, आवाज कम आ रही है, कर सकता है। मैं कविता जोशी हूँ हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर 14 जून को ये स्कीम जो है उसकी घोषणा की गई रक्षा मंत्री और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के द्वारा। उसके बाद 5 दिन के अंदर पूरा देश जल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, और इसी 5 दिन के अंदर आपने स्कीम में कई मेजर अमेंडमेंट्स भी किए हैं। अब यूथ की तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके सपोर्ट में आ गई हैं, उनका ये कहना है कि सरकार को किसी भी कीमत पे इस स्कीम को रोल बैक करना होगा, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अमेंडमेंट्स आपके तरफ से किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि आप लोग की तैयारी हो चुकी है, रोल बैक की कोई संभावना नहीं है, इसको हर हाल में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार लागू करेगी। देखिए ये जो एस्पिरेशन थी ना हमारी बदलाव करने की, आज की नहीं थी। 1989 का डॉक्यूमेंट तो मैंने आपके सामने रख दिया, कारगिल रिव्यू कमेटी, चाहे वो श्रीलंका की लड़ाई हो, सब किस्म की लड़ाइयों में यही बोला कि भाई थोड़ा जैसे बी कॉम्प्लेक्स भर दो फौज के अंदर, उसी तरीके से यूथफुलनेस भर दो फौज के अंदर, ये तय करा गया, बट ये हम कर नहीं पाए। अच्छा अब हमने ये कर दिया, ये ऐसे नहीं करा है कि किसी ने बोला है करा है, ये हमारी खुद की एस्पिरेशन थी। मैंने आपको शुरू से बोला कि जो हमारे तीन इससे पहले चीफ थे आर्मी नेवी एयरफोर्स के, एंड साथ में जनरल बिपिन रावत, 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी काम करना यू नो ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली खत्म कर लिया, नो, ये इस डिटेल्स में, हर एक चीज की डिटेल के अंदर कि इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब आपका प्रश्न आया कि आप बदलाव करने लग गए हो, सी बदलाव हमारी जरूरत थी कि 21 साल वाली जरूरत हो, बट युवाओं का दर्द समझा गया, इसके ऊपर भी हमारे से मीटिंग करी गई कि ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन कोविड की वजह से है दी जाए या नहीं, इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई। एंड ये हमें पहले मालूम था कि ऐसे आ सकता है, हमारी तमन्ना वही रहेगी यंग आर्मी एज सून एज पॉसिबल, बट उसके अंदर ये 2 साल की जो हमारे युवाओं को पीड़ा पहुंची है उसको मद्देनजर रखते हुए करी गई है। कमिंग टू अदर थिंग्स, वो प्लान्ड है, कोई किसी वजह से ये यू नो इधर उधर आर्सन करने की वजह से नहीं हो रहा, ये सब प्लान्ड था कि आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा, आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, 85 इंडस्ट्रीज ने बोला है कि हम इनको लेना चाहेंगे, बट यू नो ओवरनाइट नहीं ले सकते। हम अगर सारे इंडस्ट्रीज को पहले से ही बता देते कि भाई आ रहे हैं आपके पास तो आप इनको लोगे क्या, कितनी मात्रा में लोगे, वो कैसे जवाब दे सकता है, वो पूछेगा भाई स्किल क्या है आपका, कितने आएंगे, कब आएंगे, कितनी उम्र होगी। सी ये सब डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो, एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक, इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग, व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग, यू नो वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा, इट इज नो स्पेस, एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए। और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज, आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं है। थैंक यू। आशीष सिंह, आशीष सिंह फ्रॉम TV9। मेरा क्वेश्चन जनरल पुरी से है कि मेन इशू जो हम देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर, वो उनमें से अधिकतर लोगों का ये कहना है जो
यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो 3-4 साल पहले रिक्रूटमेंट को लेकर प्रोसीजर्स हुए थे, फिर उसके बाद में उन्हें लर्च में छोड़ दिया गया है, उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसको लेकर अगर आप कुछ क्लैरिटी दे सके कि क्या वो दरवाजे परमानेंटली अब बंद ही हो गए हैं जो 2018-19 में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की गई थी। और दूसरा प्रश्न नहीं है लेकिन एक सब सेक्शन है उसी में अगर आप इंक्लूड कर सकें, जो अग्निवीर पूरे अगर हम 100% कैपेसिटी वाइज देखेंगे तो 15 से 20 साल लगेंगे आपको पूरी स्ट्रेंथ करने के लिए। क्या इस दौरान जो 20% 30% अग्निवीर आप इंडक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, बाकी रूटीन जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है क्या वो चलती रहेगी? आशीष, ये जो 2 साल की डिले करी गई है ना, 21 साल से 23 साल की, ये उन्हीं के लिए करी गई है जो जिन्होंने प्रतिक्रिया शुरू करी थी और प्रतिक्रिया खत्म नहीं करी। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रतिक्रिया के, जैसे एजी साहब ने बताया, 3 स्टेजेस है। ओके, सबसे जरूरी स्टेज है एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने नहीं दिया। ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया नहीं है, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनको, उनकी वजह से ये मौका दिया जा रहा है कि 2 साल और, बिकॉज वो पिछले 2 साल में एजेड हो गए हैं तो वो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं। बस यही प्रावधान कर रहे हैं हम कि वो अग्निवीर स्कीम के साथ, तीनों सर्विसेज के साथ सेम चीज है कि वो हमारे साथ जुड़े, हाउएवर अग्निवीर स्कीम के साथ, एंड उन्होंने जो हमारे साथ काम करा है, उन्होंने जो पहले करा था। देखिए, आप में से अगर मैं पूछूं ना कोविड के शिकार कितने हुए हैं, तो मैं पूछना नहीं चाहता, बट आपके कई सारे हाथ उठेंगे। उस कोविड की वजह से क्या आपकी शरीर में नुकसान पहुंचा है, हमें नहीं पता। हमने 1.25 साल से तो किसी को देखा भी नहीं है मेडिकली। सो ये सब चिंताएं हमारे पास है। आफ्टरऑल हमको आगे लेके किनको जाना है? फिट पीपल को, डिसिप्लिन पीपल को। डिसिप्लिन तो हम करवा लेंगे, बट फिट तो अपनी अंदर की शक्ति है। तो ये हमारे साथ बच्चे आएंगे, इन्हीं की वजह से हमने ये 2 साल का प्रावधान करा है, बट वो अग्निवीर के तौर पे ही आएंगे। उनसे वॉलंटियर सिस्टम, हम मतलब उनसे पूछा जाएगा कि वो आना चाहेंगे या नहीं। इन एनी केस, एजी ने आपको बताया कि वेबसाइट ओपन करी जा रही है, एंड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। थैंक यू। रूटीन रिक्रूटमेंट वाला, सर, रूटीन रिक्रूटमेंट वाला जो पूछा था मैंने कि क्या रूटीन रिक्रूटमेंट भी चलता रहेगा, क्योंकि अग्निवीर तो आप कुछ परसेंटेज ही अब्सॉर्ब कर पाएंगे ना? No, only through Agnivir, Ashish. No change. Yep. There'll be no change. Thank you, Ashish. Come. Sir, Rajiv Ranjan, NGTV India. मेरा सवाल है कि कई सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम पास कर लिए थे, नहीं मेरी सवाल सुन लीजिए सर, उन्होंने फर्स्ट फेज पास कर लिया था, किन्हीं का मेडिकल हो गया था, कोई कॉल लेटर का वेट कर रहे थे कि उन्होंने, तो उनका क्या होगा सर? और इस तरह के नंबर कितने हैं जो युवाओं का, उनका क्या होगा? वो सारे जो एग्जाम उन्होंने पास किए हैं, चाहे मेडिकल पास किया है, कोई दौड़ पास किया है, वो सब खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे? और क्या जो आप कह रहे हैं कि हिंसा की जो बात कर रहे हैं, उनको प्लेस देना पड़ेगा, क्या युवा इसे एक कह सकते कि धमकी के तौर पर लें या अनुशासन कैसे लें इसको? कि आप इसका जवाब मैं दूंगा। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया, तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया, उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। Okay, नीरज। सर, नीरज राजपूत, दिस एबीवी न्यूज से हूँ। जनरल पुरी या एयर मार्शल झा दे सकते हैं सवाल, जवाब दे सकते हैं। पहले तो ये कि आपका कहना कि करगिल रिव्यू कमेटी और सबकी रिपोर्ट्स आई थी कि, और इतना लंबे समय से काम चल रहा था, लेकिन जब ये प्लान बनाया गया, मॉडल तैयार किया गया, लेकिन उसके 2-3 दिन के भीतर ही उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया कि 23 साल वालों के लिए भी उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया, तो क्या ये क्या बहुत जल्दबाजी में मॉडल तैयार किया गया? और दूसरा ये कि जब 23 साल की उम्र आपने कर दी है,
क्योंकि जैसे पहले वाला सवाल था कि एयरफोर्स की जो 2019 की जो रिक्रूटमेंट थी वो प्रोसेस पूरा हो चुका था, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था, तो क्या उसको फाइनल निकाल नहीं सकते हैं जब हम एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं? तो ये सिमिलर है, फिलहाल मैं बस इतना ही बता दूं कि अब सारी रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत ही होगी, जो एलिजिबल है वो इस प्रोसेस को में फिर से अप्लाई करेंगे। दूसरी बात जहां तक रही कि कितनी डिस्कशन हुई थी, ट्वीकिंग सिर्फ एक हुई और वो भी है वन टाइम एक्सेप्शन ऑफ 2 ईयर एक्सटेंशन, अदरवाइज जो 14 तारीख को अनाउंस हुआ था वो आज भी वैलिड है और वो रहेगा। Okay. तो ये भी बता दूं कि दिस वॉज अ वेरी इंगेज्ड प्रोसेस एंड इट हैज बीन रिपीटेडली मेंशन दैट एट ऑल लेवल्स इट वॉज एन एक्सट्रीमली इंगेज्ड प्रोसेस एंड दिस वॉज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, अ मिक्स ऑफ gradual induction. For example, in the Indian Air Force, the first year is only 2%. By the end of fourth year, is only 10%. So, if